सोनीपत में बदमाशों को हरियाणा पुलिस का कोई खौफ नहीं है। आए दिन किसी न किसी संगीन वारदात को बदमाश अंजाम दे रहे हैं और पुलिस महज मामला दर्ज करते सीमित रह गई है। सोनीपत की सब्जी मंडी में पनीर सप्लाई का काम करने वाले दिल्ली के रोहिणी के रहने वाले सलमान नाम के एक व्यापारी को सब्जी मंडी से पहले बदमाशों ने अगवा कर लिया और उसके बाद उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। बदमाश यही नहीं रुके, उन्होंने सलमान के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। सोनीपत पुलिस ने व्यापारी को पानीपत से बरामद किया। वही पीड़ित युवक की शिकायत पर संदीप नाम के एक शख्स और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। ये रात में दो तीन यहाँ चार पाँच ये गुंडे आए थे जी, गुप्ताहार लेकर आए थे चार पाँच गुंडों को, तो लड़के के पास जितने भी रुपये 3 लाख रुपए थे तो बाकी गाड़ी में रह गए जी। 10,000 रुपए उसने अपने पेटीएम में डलवाए हैं, 1500 रुपये लूटपाट में उसकी जेब में नकद हाथ आए हैं, बाकी पैसे गाड़ी में रह गए जी। क्यों वो पीटा गया तो आपके बेटे का क्यों अपहरण किया गया? ये अपहरण करा गया जी, उनका हमारा पनीर का धंधा जी, हमसे जो है चलसबाजी कर रहे हैं और अच्छा। हमारे को यहाँ से धंधे के पीछे भगाना चाह रहे हैं जी। आपके बेटे को कहाँ से छुटवा गए आप? अपहरण करके ले गए थे? ये वहाँ ले गए जी, उसमें पानीपत वहाँ से पुलिस लेके आई। हाँ पुलिस लेके आई जी, उनके कब्जे से। हाँ उनको पीट भी रखा था आपके बेटे को? हाँ जी बहुत मारा है, इतना क्या, मारा है। क्या कहा उन बदमाशों ने? क्या कहा उन बदमाशों ने? उन बदमाशों ने कहा कि 10 लाख रुपए ले आओ और अपने लड़के को ले जाओ। फिर पुलिस उसको छुटवा के लाई वहाँ से? हाँ जी फिर पुलिस लाई शुरू। अब पुलिस को कंप्लेंट कर दी आपने? हाँ कर दी जी, मैंने रात ही कर दी। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम जी दिल्ली के रहने वाले हैं। पनीर का काम कहाँ करते हो? यहाँ गोदाम ले रखा 19 नंबर पे सोनीपत। हाँ यही हम अपना काम करते हैं। सलमान सोनीपत सब्जी मंडी में पनीर सप्लाई का काम करता है और वो सोनीपत सब्जी मंडी में किसी व्यापारी के पास पनीर देने आया था। मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कुलदीप ने क्या कुछ कहा सुनिए। अपहरण करके ले गए थे कि सलमान का, सलमान पुत्र साबिर, जो ये साबिर और सलमान पनीर का काम करते हैं मंडी में और कुछ दिल्ली में भी सप्लाई करते हैं पनीर, ठीक है। और जो अपहरण करने वाले हैं वो भी पनीर का काम करते हैं सब्जी मंडी में। इनका कोई लेन देन था तो कल रात को इसके लड़के को वो संदीप उर्फ ये संदीप पुत्र रामदेव ऋषि कॉलोनी का व उसके 3-4 साथी इसको सलमान को ज़बरदस्ती मारपीट करके ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर अपहरण करके ले गए, जिस संबंध में उसके पिता साबिर के दरखास्त पे मुकदमा नंबर 232 अन्य धाराओं के खिलाफ दर्ज किया गया है। सर इसको पीटा भी गया अपहरण के बाद? इसको पीटा भी गया है, लड़के को बरामद कर लिया, ठीक है। इसे कुछ पैसे भी ट्रांसफ़र करवाए? इससे इसके पेटीएम से आरोपियों ने अपने खाते में पेटीएम से 10,000 रुपये पेटीएम करवाए हैं। पुलिस के मुताबिक सलमान की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि संदीप नाम के एक शख्स ने इनके पेटीएम खाते से पैसे भी ट्रांसफर करवाए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।